मणिपुर में हमारे जो बाहर से प्रवासी स्पेशली जो लेबर क्लास हैं जो यहाँ है काफ़ी टाइम से रह भी रह गए हैं, और कुछ लोग जो यहाँ, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ रहते हैं और यहाँ रह रहे थे और यहाँ काम कर रहे थे, ऐसा पैनिक क्रिएट करने की कोई वजह भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको वहाँ उनके पास पहुँचने की, हमने वो डाटा बनवाया है, लगभग जो कल फिगर था 15,000 के आसपास, आज 18,000 के आसपास बड़ा फिगर है, 17,200 के आसपास का फिगर है वो लोगों का। सब डिविजन वाइज फैमिली नदौन में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमीरपुर में है, भोरंज में भी 900 फैमिलीज है, उनको हमने रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी लोगों ने सहायता करने की कोशिश की है, लेकिन मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेल है, उसमें हमारा लॉजिस्टिक सेल 24 आवर काम कर रहा है थ्रू दी अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इस सारे ऑपरेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमने अपने नंबर, अकाउंट नंबर भी शेयर किया है, और हम सभी से अपील कर रहे हैं इसमें कि जो सज्जन या जो संस्था है इसमें सहयोग करना चाहे, वो हमें इन टोल फ्री नंबर्स जो हमने सभी जगह दे रखे हैं 104 पे कर सकते हो, सब डिविजन्स के नंबर पे कर सकते हो, 1077 पे कर सकते हो, हमने सभी एसटीएम्स के मोबाइल नंबर शेयर किए हैं, वो अपना कॉल करके अपनी इच्छा बता सकते हो कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है। काइंड में अगर डोनेट करना चाहो तो मेरी ये अपील है कि आप अपने नियर बाई उस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करें, इन्फॉर्म करें कि, और उस क्वांटिटी को आप नियर बाई सामुदायिक केंद्र है या महिला मंडल या युवक मंडल है या पंचायत घर है वहाँ रख दें। हमने अपनी गाड़ियों का सिस्टम रखा है, वो वहाँ से आपसे कोऑर्डिनेट करके उन वहाँ से पर्टिकुलर टाइम पर कलेक्ट कर लेगी। क्योंकि मैं बड़ी जगह से कंप्लेन आई है कि लोग अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, फिर अपने हिसाब से मतलब डिफरेंट कंप्लेंट्स आती है उसमें, क्योंकि हमारा पर्पज डिफरेंट हो जाता है। ये जो सारी एक्सरसाइज है वो आइसोलेशन की एक्सरसाइज है, हमें अपने घरों में रहना है और सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, तो इन चीज़ों के लिए हमने इस सिस्टम के लिए बड़ा सख्ती से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी सभी से अपील है कि इसका पालन करें, अगर कोई इसका वायलेशन करता हुआ पाया गया तो उसमें कंसर्न सेक्शंस में कार्रवाई हो जाती, तो इसको अवॉइड करें। और हम लोग सभी लॉजिस्टिक सेल के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का सेल है वहाँ अपने ऑपरेशन को पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कल भी हमने लगभग 150 क्विंटल के आसपास सामग्री बांटी, जिसमें 90 क्विंटल के आसपास आटा था, 50 क्विंटल के आसपास चावल थे, 20 क्विंटल के आसपास दालें थी, 1000 क्विंटल के आसपास तेल था। हम पैकेट बना रहे हैं, लगभग जो फैमिलीज हैं 5,000 के आसपास, 5 से 6,000 के बीच में डाटा वेरी हो रहे हैं, अभी प्लस ऐड हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचे हैं। कल भी हमने काफ़ी फैमिलीज को पहुँची, आज शाम तक हमने टारगेट दिया है कि 28 के इवनिंग तक सभी जगहों तक पहुँचा जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड पैकेज हम बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट जगह से डाटा प्रोक्योर करने में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भी इसमें डोनेट किया, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बट मेरा इसके लिए ये रिक्वेस्ट है कि जो डोनेट करने का मोड है उसका प्रॉपर पालन करें। एंड अगेन मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, बढ़ चढ़ के सहयोग करें, सो हमारे जितने भी लोग यहाँ है उनकी मदद हो सके टाइमली। दूसरा, हम लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खाना बनाने का भी साधन नहीं है, नहीं अरेंजमेंट कर पाते हैं, हमने डिफरेंट जगह से मेंटली कुछ इश्यू है उनको हमने चिन्हित किया है, और इसमें हमने सहयोग भी लिया है जो हमारे कोटा में दादा स्वामी का आश्रम है वहाँ से भी कुक्ड फूड पैकेट्स भिजवाने भिजवा रहे हैं। और बड़ी सारी संस्था है हमें आगे से ही कॉन्टैक्ट कर रही है कि हम लोग इसमें वॉलंटरली सहयोग देना चाहते हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बट हमारा पोजिशन समझने की कोशिश करें, मैं उनसे सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वी विल टेक, आप लोगों का हम सहयोग लेंगे, बट उसका थोड़ा एक अपना सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि इसमें कई सारे वायलेशंस जो सोशल डिस्टेंसिंग का है हम अवॉइड करना है, घर से बाहर निकलना, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसका डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू।